नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी रीडर्स पे। दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 17वीं शताब्दी के एक पोएम द स्कॉलर जिप्सी के बारे में, जिसे लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। दोस्तों ये स्टोरी जो है, ये पोएम जो है, एक पर्सनल इलेजी है, एक पर्सनल इलेजी है जो एक स्कॉलर के बारे में बताया गया है जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और स्टूडेंट रहता है। दोस्तों ये बुक 1853 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों ये बुक जो है, यह जोसेफ ग्लैनविल की एक बुक द वैनिटी ऑफ डोगमेटिज्म से ली गई है। दोस्तों इसमें पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड जो है, वह उस स्कॉलर की वेट कर रहे हैं, स्कॉलर की इंतजार कर रहे हैं। द पोएट वेट फॉर सेफर्ड इन अ शेडी कॉर्नर ऑफ अ न्यूली हार्वेस्टेड फील्ड। कहते हैं एक खेत के किनारे बैठकर सेफर्ड के साथ पोएट उस स्कॉलर का इंतजार कर रहे हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल एंड प्रिश्योर स्पॉट बी चेरिस्ड हार्ट एंड इमेजिनेटिव ऑफ द पोएट। दोस्तों कभी को यह लगता है कि स्कॉलर जो है वह शायद अब मर चुका होगा, अब वह जिंदा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों नहीं, वह जिंदा होता है। और कभी को भी ऐसा लगता है, लेकिन वह उसका इंतजार खेत के किनारे बैठकर करते हैं। और बाकी सेफर्ड को कहते हैं कि तुम जरूर इस कंट्री के इधर उधर देखो, खोजो, क्योंकि वह अभी भी इस कंट्री के इधर उधर घूम रहे हैं, घूम रहा है और वह जिंदा है। दोस्तों स्कॉलर जो है वह बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति लड़का होता है और वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके और जिप्सी के बैंड को ज्वाइन कर लेता है। जब वह जिप्सी के बैंड को ज्वाइन करता है तो वहाँ वह नई नई बात देखता है, मतलब जिप्सी के रहन सहन के बारे में देखता है कि जिप्सी किस तरह से रहते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले लोगों की हालत के बारे में वह जानता है और वह जंगल में किन तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों समटाइम राइडर्स ही सी, जब वह सब लोगों को, सम बिलीव डेट ए स्कॉलर हैज बिकम अ घोस्ट, कुछ लोगों को तो यहाँ तक ये भी लगता है कि शायद स्कॉलर मर चुका होगा, वह अब एक भूत बन चुका होगा। समटाइम रीडर्स सी हिम अक्रॉस द रिवर टेम्स, उसी बीच कुछ लोग उसे, मतलब टीम्स नदी को पार करते हुए देखते हैं। द विलेज गर्ल्स हैव सम टाइम सीन हिम रिमेनिंग इन दी डार्किंग फील्ड्स। एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब एक लड़की उन्हें, मतलब एक अंधेरे मैदान में उन्हें एक लड़की दिखती है। समटाइम ही गिव्स फ्लावर टू दी गर्ल्स बट डज नॉट स्पीक टू देम, वह उस लड़की को फूल भी देता है लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है। चिल्ड्रेन हैव समटाइम सीन हिम मूविंग स्लोली, मतलब कुछ बच्चे उन्हें धीरे धीरे चलते हुए भी देखते हैं। और कुछ लोगों का तो मानना है कि जब सूर्य डूबता है और तारा निकलता है तब उन्हें कुछ लोग देखते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। द स्कॉलर जिप्सी हैज कम अ पार्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, स्कॉलर जिप्सी जो है वह एक नेचुरल लैंडस्केप का पार्ट है। टू द ब्रॉड एन एनिमल ही हैज बिकम अ फिनोमेनन ऑफ नेचर, यह जो घटना है वह एक पशु पक्षी के तरह, मतलब नेचर पर आधारित घटना का तरह लगता है। वेन ही पासिस बाय द बर्ड्स डोंट फील सिक्योर्ड, द पोएट नाउ सीज दैट नियरली 200 ईयर हैव पास्ड सिंस द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइन द बैंड ऑफ जिप्सीज। मतलब कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि स्कॉलर को तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए और जिप्सी के बैंड को ज्वाइन किए हुए तो लगभग 200 साल हो गए हैं। ही कैन नॉट बी अलिव नाउ, शायद वह जिंदा होगा भी या नहीं। ही मस्ट हैव डाइड अलॉन्ग एगो द बर्ड, इतने समय हो गए उसके मरे हुए, शायद अब दफन भी, इतने समय हो गए उसके दफन हुए, शायद अब मर भी गया होगा। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑन वॉन्ट टू द एंड ऑफ पोएम, लेकिन कवि इस पोएम के अंत में द पोएट एग्रीव्स डैट द स्कॉलर मे स्टिल बी अलाइव, ये अपने
आत्मविश्वास के साथ ये तर्क देते हैं कि नहीं, हो सकता है वह अभी भी जिंदा है। सेज दैट द स्कॉलर लिव्ड अ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोर्सेज ऑफ लाइफ इन अ कॉमन मैन, कहता है शायद वह अब एक आम आदमी की तरह अपने जीवन को बिता रहा होगा। ही कैन नॉट हैव फेल्ट द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतता चला गया, एनालाइजिंग द केस ऑफ मिस्टीरियस ऑफ लाइफ, और इन रहस्यमय बातों को कोई समझ नहीं पाया। एंड आर्नॉल्ड सेज दैट आवर लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ सीरियस ऑफ चेंजेस, आर्नॉल्ड कहते हैं कि हमारी लाइफ का जो चेंज होने का तरीका है, वी कैन नॉट स्टिक टू एनी थिंग फॉर लॉन्ग, यह बहुत ही लंबा है। वी आर लाइक रोलिंग स्टोन, जिस तरह एक रोलिंग स्टोन कार्य करता है उस तरह का ये हमारा लाइफ है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।